फर्स्ट स्टेप बैक, अब आप चढ़ेंगे और कहाँ जाएगा कि जाल के आगे पानी के अंदर लेटा हुआ है और कहाँ करें, अब अपने को भिगाना है तो कैसे भिगाए? पहुँच नदी है, पहुँच पहुँच पा बड़ा हु और जा पहुँच पहुँच, ये हम लोग दतिया में मौजूद हैं, दतिया में मौजूद है। पहुँच नदी के किनारे मंदिर बना है, उनाव सुई मंदिर, छोटा ऊ बड़ा ना हुआ उनाव उनाव। ये भैया किस रंग का मंदिर होगा? तकरीबन मेडिवल पीरियड का कंस्ट्रक्शन दिखता है, कहते हैं प्राचीन है ऐसा लिखा है। ये दिखा दो तो मेडिवल दिखाई देगा। हाँ मेडिवल दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये जो है ये इस कंस्ट्रक्शन ईंटों का है, ये ईंटों का है और चूने पत्थर, चूने पत्थर का है, चूना पत्थर। ये तो किले नुमा लेगा, देखिए नदी किनारे कितना ऊंचा है, हम लोग कितने ऊंचे खड़े हुए। ये बनाया गया कि अब नदी आग हो जाए तो क्या करोगे, और हम मंदिर में जाना ही मंदिर के लिए। अच्छा ये मंदिर का लेवल हम खड़े हुए, ये मंदिर के अंदर आप मंदिर के लेवल पे आप खड़े, इतना डाउन है वो नीचे, इतना इतना डाउन है, कभी बाढ़ आई कुछ हुआ तो कुछ मंदिर पर इफेक्ट नहीं आएगा। ये बड़ी बड़ी दालाने हैं यहाँ से वहाँ तक, ये लंबा सा सूट कर लो एक घर को, इस तरह चलेगा। ये तो मंदिर है, किला है, ये किले नुमा बना है, किले नुमा बना है ये। देखिए चाहो तो इसमें ये देखिए कुएं बने हुए हैं, ताकि इसमें एक तालाब टाइप का, गर्मियों में पानी का सूख जाता है, इसमें पानी रहेगा तो इसमें आप नहा सकते हैं। देखिए लोग यहाँ पे बरसात में बहुत लंबा इसका दायरा है, उसमें पूरा पानी भरता है, वहाँ तो भर जाता है पानी। वो जो मंदिर दिखाई पड़ रहा अच्छा काफ़ी साफ हो जाता है। नदी की ऊंचाई मतलब यहाँ से कई बांध बन जाने के कारण पानी कम हो गया, बहुत कम हो गया पानी इसका। पानी की हमेशा उपलब्धता के लिए दो कुंड बने, कुंड बने हुए, इसमें पानी उपलब्ध रहता है। इसे लिंग है क्या है? नहीं नीचे रेत रहती है। अच्छा उसमें भी वही हाल है, वही हाल है, कुंड वो भी कुंड है, पानी हमेशा बनाया रहता है, हमेशा की उपलब्धता के लिए कुंड बना दिया। दतिया सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर सन टेम्पल जहाँ अब भी पूजा होती है, अधिकांश सूर्य मंदिरों में पूजा नहीं हो रही, नहीं हो रही है।